I'm Dr. Sharda Jain. Welcome to our YouTube channel, Life Care Center Sahi Upchar. आज हम प्रेयर्स की पावर के बारे में बात करेंगे. हिंदुस्तान में बड़ा प्रेयर्स का रिवाज है और बहुत लोग साथ में ये भी कहते हैं, हमने बहुत प्रेयर्स करके देख लिया, कोई फायदा नहीं. आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए. प्रेयर्स एक भाव है और जो अस्तित्व है उसको देने वाला है. कुछ एग्जाम्पल लेंगे. आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, शाम का अंधेरा हो गया, जब तक आप प्लग ऑन नहीं करेंगे बिजली नहीं जलेगी. उसी तरह से अगर आपको फोन को चार्ज करना है तो आप बिजली से कनेक्ट नहीं करेंगे, चार्ज नहीं होगा. तो आपको उस परम शक्ति से जुड़ना है, तभी उसका असर आएगा. वो सब करेगा, जो आपके अस्तित्व चारों तरफ है वो सब मदद करेगा, सब सहायता करेगा. तो वो कहता है, सूरज को देखा है, 24 घंटे काम करता है. एटलीस्ट तुम 8 घंटे 10 घंटे तो काम करो, मेहनत करोगे 8 घंटे की सब कुछ दूंगा. एक कहानी से बता दू. एक आलसी किसान था, फसल तैयार हो गई, शहर में बेचने जा रहा था, बारिश आ गई और उसकी बैलगाड़ी का पहिया धस गया. भाग्य को कोसने लगा, कोई मेहनत नहीं करी. इतने में एक आदमी आया, सज्जन आदमी. उसने कहा, क्या कर रहे हो भैया, बारिश तेज होने जा रही है, ला चलो मेहनत करो, कौन आएगा इस पे, चलो तुम भी मेहनत करो, मैं भी तुम्हारा मदद करता हूं. धक्का लगाया, गाड़ी चल पड़ी. बिना मेहनत करे जब तक आप अपना सहयोग नहीं करोगे, ऊपर वाला सहयोग नहीं करेगा आपको. दूसरी कहानी लेते हैं. एक बच्चे को शुरू से बताया गया था कि जब मुसीबत होगी तो भगवान जरूर आएंगे तुमको लेने. उसके माता पिता की डेथ हो गई. एक दिन बड़ी बारिश आई तो वो प्रेयर करने बैठ गए. इतने में फिर घुटने तक पानी आ गया. तो एक गाड़ी आई, उसने कहा, बच्चे आ जाओ, मैं तुमको छोड़ दूंगा, बारिश तेज आ रही है. उसने कहा, नहीं नहीं भगवान आएंगे. उसके बाद थोड़ी देर के बाद पानी और बढ़ गया तो एक नाव आई, उसमें बैठे हुए आदमी ने कहा, बच्चे आ जाओ, बहुत तेज बहाव आने वाला है, तुम्हारा ऑलरेडी पानी जो है छाती तक आ गया है. नहीं नहीं भगवान आएंगे. बाढ़ से आ गए, बहा के ले गए, मर गया. वहां ऊपर पहुंचा, भगवान के सामने शिकायत करने लगे, झगड़ा करने लगा, भगवान आप आए ही नहीं. उसने कहा, भैया तो मूर्ख बालक क्यों है, तुम्हारे पिता ने क्या बताया था, जब मुसीबत होगी तो मैं मदद बनकर आऊंगा. मैं दोबारा आया, पहले गाड़ी चालक के रूप में जिसने आपको रिक्वेस्ट करी, और दूसरी बार नाव बनकर आया. किसी ने मुझे नहीं देखा है, कोई मुझे नहीं देखेगा. जब आपको मुसीबत आएगी तो मैं सहायता बन के आपके पास आऊंगा. आपको उस दिव्य शक्ति से मेरी सहायता को पहचानना पड़ेगा और फिर धन्यवाद करना पड़ेगा. यही है मर्म है प्रेयर्स का.